पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल हमास युद्ध को रोकने की कोशिश हो रही है। एक दिन पहले तुर्की कह चुका है कि इसराइल को गाजा में जमीनी जंग शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसराइल कह चुका है कि वो हमास का वजूद मिटाकर ही दम लेगा। कल रात इसका ट्रेलर भी दिखा जब इसराइल की सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हमास के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करके वापस अपनी सीमा में लौट गई। सवाल ये कि जिस जमीनी जंग की बात इसराइल बार बार कर रहा है वो फुल फ्लेश्ड कब शुरू होगी, इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। इसराइल के टैंकों का गाजा के बॉर्डर पर जमावड़ा है, लेकिन वो गाजा में दाखिल क्यों नहीं हो रहे हैं? लाखों की तादाद में इसराइल की सेना सीमा पर जमी हुई है, लेकिन गाजा पर जमीनी हमले के लिए आगे क्यों नहीं बढ़ रही है? किस मजबूरी ने इसराइल की सेना के पांव जकड़ रखे हैं? क्या इसराइल की हमास के खिलाफ ग्राउंड अटैक की तैयारी अभी अधूरी है? क्या इसराइल की फौज गाजा में घुसने से डर रही है? कहा जा रहा है कि ये जमीनी हमला नहीं आसान, गाजा में बारूद का दरिया है और जान पर खेल कर जाना है। गाजा में हमास ने कितना जानलेवा जाल बिछा रखा है? क्यों कहा जा रहा है कि ये जाल फांसी के फंदे जैसा है? क्यों कहा जा रहा है कि इस जाल में जो फंसा समझिए जान से गया? क्या हमास का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र ये जाल ही है जिसने इसराइल की सेना के पांव रोक रखे हैं? दावा किया जा रहा है कि गाजा में हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन इसराइल के लिए आसमान से तारे तोड़ने जैसा होगा, क्योंकि हमास को कमतर आंकना इसराइल की बहुत बड़ी गलती हो सकती है। हमास ने इसराइल को चुनौती देते हुए एक ऐसा वीडियो रिलीज किया है जिसमें इसराइल के ग्राउंड अटैक का जवाब कैसे देना है इसका ट्रेलर दिखाया है। इस वीडियो में हमास ने दिखाया कि कैसे वो इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन का जवाब देने के लिए तैयार है। हमास का दावा है कि उसने 72 घंटे का एक बहुत ही खतरनाक प्लान तैयार किया है। इस प्लान को अंजाम देने का जिम्मा हमास के अल कुद्स ब्रिगेड को दिया गया है। हमास की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि सुरंग के भीतर अल कुद्स ब्रिगेड निशाना लगाकर इजरायली सेना का इंतजार कर रही है। अब बड़ा सवाल है, हमास की इस तैयारी को तोड़ते हुए इजरायल की फौज गाजा में कैसे घुसेगी? इजरायली सेना रेडियो के मुताबिक ग्राउंड अटैक में देरी की एक वजह अमेरिका के सैनिकों की लैंडिंग है। दावा है कि ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका मिडिल ईस्ट में सेना की तैनाती बढ़ाने जा रहा है। इसके साथ ही ग्राउंड अटैक के लिए पुख्ता तैयारी भी ग्राउंड अटैक में देरी की वजह हो सकती है। बंधक बनाए गए लोगों की रिहाई के मुद्दे ने भी इसराइल को ग्राउंड अटैक से रोक रखा है।
और समझिए पूरी दुनिया में इस वक्त इसराइल हमास महायुद्ध को रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। और एक दिन पहले तुर्की कह चुका है कि इसराइल को गाजा में जमीनी जंग शुरू नहीं करनी चाहिए, लेकिन इसराइल कह चुका है कि वो हमास का वजूद मिटाकर ही दम लेगा। और कल रात इसका ट्रेलर भी दिखा जब इसराइल की सेना उत्तरी गाजा के अंदर दाखिल हो गई, लेकिन हमास के कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करके वापस अपनी सीमा में लौट गई। और सवाल है कि जिस जमीनी जंग की बात इसराइल बार बार कर रहा है वो फुल फ्लेज्ड कब शुरू होगी? इसका जवाब आपको इस रिपोर्ट के जरिए जरूर मिलेगा, क्योंकि गाजा के अंदर जमीनी जंग कोई बच्चों का खेल नहीं। Vince, one of the reasons Hamas attacked when they did, I have no proof of this, just my instinct tells me, is because of the progress we were making towards regional integration for Israel and regional integration overall. And we can't leave that work behind.